चलिए लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग. ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मॉडल्स चल रहे हैं जिसमें हम बैलेंस स्कोर कार्ड तो पहले से ही जानते थे. नया आपने पिछले दिन सीखे परफॉर्मेंस, क्या नाम था, पिरामिड. परफॉर्मेंस पिरामिड इज लाइक बिल्डिंग अ बिल्डिंग वेयर वी हैव अ फाउंडेशन. फाउंडेशन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस. इंटरनल एफिशिएंसी एंड एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस. इंटरनल एफिशिएंसी इज एक्चुअली फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव एंड एक्सटर्नल इज नॉन फाइनेंशियल. इंटरनल विल कम फ्रॉम वर्किंग अपॉन साइकिल टाइम एंड रिड्यूसिंग वेस्ट. एंड इट्स एक्सटर्नल इम्पैक्ट इज दैट यू विल बी एबल टू हैव प्रॉपर डिलीवरीज. बिकॉज साइकिल टाइम कम होगा तो जल्दी जल्दी डिलीवरी कर पाओगे एंड गुड क्वालिटी बिकॉज वेस्ट कम हो जाएगा. तो सो अल्टीमेटली दे विल लीड टू प्रोडक्टिविटी एंड हियर कस्टमर सेटिस्फैक्शन. इफ यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट देन योर मार्केट शेयर एंड फाइनेंशियल्स विल इम्प्रूव एंड दैट इज यूजुअली द कंपनीज विजन एंड गोल. ओके, अब नेक्स्ट अपने आ रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. नेक्स्ट इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. जैसे देखिए नाम भी कैसे कैसे, एक परफॉर्मेंस पिरामिड, वो भी एक मतलब समझिए आर्किटेक्चरल वर्क है. बिल्डिंग ब्लॉक, ब्लॉक्स बना रहे हैं. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इज समथिंग दैट वी सजेस्ट फॉर सर्विस सेक्टर. यहां पे देखिए सर्विस सेक्टर के लिए बोला गया ये. इट इज फॉर सर्विस सेक्टर. ओके, तो अगर कभी क्वेश्चन में केस स्टडी जैसा बात कर रहा है और सीधा वो लोग शुरू कर रहा है कि सर्विस सेक्टर का कैलकुलेशंस बैठाना है या परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है तो आप उनको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से एडवाइज करेंगे. अब बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में सर्विस सेक्टर में यू कैन से व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम. देर आर लॉट ऑफ वेरिएशन, देर कैनॉट बी स्टैंडर्डाइजेशन. सो इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या करता है, आपको सारे वेरिएशन को कैटर करने में मदद देता है. उसका जो सोच है वो इस तरीके का है कि इट विल हेल्प यू टू एकोमोडेट ऑल वेरिएशन इन परफॉर्मेंस मेजरमेंट. बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में मैं एक चार्ट आपको बना के दे रहा हूं. वो चार्ट आपका बनेगा तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इन लोगों ने भी एक चार्ट बनाया, वो बड़ा अजीब सा लगता है. ये चार्ट उतना क्लैरिटी नहीं देता, उसको समझने के लिए 5 मिनट देना पड़ेगा. तो मैं आपको जो चार्ट दे रहा हूँ उससे आपका ज्यादा फायदा होगा. आप कॉपी में बना लीजिए, मेरे यहाँ पे तो बहुत जगह है. आपके में जगह है तो बस वहीं पे बना लीजिए. इसका 3 फेसेट्स है, 3 पार्ट है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का. पहला पार्ट है स्टैंडर्ड्स. दूसरा पार्ट है डिमेंशंस. तीसरा पार्ट है रिवॉर्ड्स. नाउ व्हेन वी आर सेइंग स्टैंडर्ड्स, देन स्टैंडर्ड्स में 3 पार्ट है. One is equity, another is ownership, and third is achievable. इक्विटी, ओनरशिप एंड देन अचीवेबल. मतलब इसमें एक्चुअली ये बोलते हैं कि जो आप अपना KPIs सेट करते हो वो उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए. KPI याद है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर.
जैसे केपीआई क्या हुआ, मैंने आपको पिछले दिन बताया था ना, परफॉर्मेंस प्रिज्म एंड टैट, टर्न अराउंड टाइम इन आईटी डिपार्टमेंट इज ऑन एन एवरेज से 10 आवर्स फॉर वन कस्टमर फॉर एग्जाम्पल. तो आप जो केपीआई ले रहे हो, ये 10 आवर्स में तीन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए सो दैट यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट 10 आवर्स. व्हाई नॉट 12, व्हाई नॉट 8? बिकॉज 10 शुड बी डिराइव बाई सेटिस्फाइंग थ्री कंडीशंस. नाउ व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी मतलब आप इक्विटी शेयर या उस फाइनेंस की दुनिया का इक्विटी मत समझिए, क्योंकि फिर इक्विटी और ओनरशिप मैच ही नहीं खाएगा. दोनों अलग अलग नाम है यहाँ पे, करेक्ट? अपने तो इक्विटी मतलब ओनरशिप ही समझते हैं जनरली, बट यहाँ तो इक्विटी अलग है, ओनरशिप अलग है. तो डेफिनेटली हियर द वर्ड इक्विटी डजेंट मीन योर इक्विटी शेयर रिलेटेड ओनरशिप, इट डजेंट मीन प्रोप्राइटरशिप. द वर्ड इक्विटी मीन्स यहाँ पे इक्वालिटी. थोड़ा यूनिक हो गया ना, तो इसमें ध्यान देने का है. यहाँ पे वर्ड इक्विटी का इंडिकेशन है इक्वालिटी, मतलब इट वेन यू आर सेटिंग अ केपीआई, वेन यू आर सेटिंग अ केपीआई देन इट शुड बी इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंपनी. इट शुड बी, वी आर सेइंग इक्वली चैलेंजिंग फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस, फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस. सबके लिए ये एक एफर्ट वाला काम होना चाहिए. इट शुड नॉट बी एन ईजी स्वीप. ऐसा नहीं हो कि एक के लिए टफ था, दूसरा के लिए बहुत ईजी था. तो ऐसा कुछ केपीआई सेट करो जिसपे सबको मेहनत करना पड़ेगा. ओनरशिप, ओनरशिप मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो सिंपल है क्या? इट शुड बी एक्चुअली एक्सेप्टेबल. ओनरशिप मतलब एक्सेप्टेबल टू एवरी वन. आपने एक टर्न अराउंड टाइम का एवरेज सेट किया कि इट शुड बी 10 आवर्स, तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरी वन इन योर ऑर्गेनाइजेशन. एंड ऑफकोर्स अचीवेबल इज, इट शुड नॉट बी समथिंग अनरियलिस्टिक, इट शुड बी रियलिस्टिक. अचीवेबल मीन्स इट शुड बी रियलिस्टिक. So basically, word standard is indicating what? Standard is indicating how to fix KPIs. How to fix KPIs के लिए तीन पैरामीटर है. That KPIs should be challenging for all. KPIs should be acceptable to everyone. KPIs should be realistic. Easy. Now, when we come to dimensions, now dimensions में दो पार्ट है. Dimensions में there are two parts. थोड़ा नीचे करके टाना. वन इज डिटर्मिनेंट्स, अनदर इज रिजल्ट्स. वन इज डिटर्मिनेंट्स, अनदर इज रिजल्ट्स. मतलब डिटर्मिनेंट्स इज लाइक नॉन फाइनेंशियल्स, रिजल्ट्स आर ऑफकोर्स विजिबल इन फाइनेंशियल्स. अब देखिए, जितने मॉडल आप पढ़ रहे हैं ना बीएससी के बाद, चाहे परफॉर्मेंस प्रिज्म हो या बिल्डिंग ब्लॉक हो या आगे कोई भी पढ़ोगे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइनेंस नॉन फाइनेंस दोनों को लेके चलना. सो डिटरमिनेंट्स में इन्होंने बताया कि इसके ऊपर आपको काम करना होगा. मतलब डायमेंशंस मतलब दीज आर डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट गोल्स दैट अ कंपनी शुड हैव, डिफरेंट गोल्स दैट अ कंपनी शुड हैव. तो डिमेंशंस में इन्होंने चार बातें कही, जैसे कि क्वालिटी, उस पे काम करो. फ्लेक्सिबिलिटी, उस पे काम करो. तीसरा इनोवेशन पे काम करो. और चौथा रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे काम करो. फ्लेक्सिबिलिटी
फ्लेक्सिबिलिटी है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। ठीक है, देन रिजल्ट्स में व्हाट यू विल बी एबल टू सी इज योर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू सी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा ही, आप कॉम्पिटिटर से थोड़े आगे निकल जाओगे। ठीक है, देन रिवॉर्ड्स में आता है। रिवॉर्ड्स में देर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिवॉर्ड्स, या थ्री पैरामीटर्स टू फिक्स रिवॉर्ड्स, यू कैन से थ्री पैरामीटर्स टू फिक्स रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स। हाउ टू फिक्स रिवॉर्ड्स, आपको भी समझ में आ रहा है? ये डिफरेंट गोल्स भी, हाउ टू कीप डिफरेंट गोल्स है, समझ में आ रहा है? सब में हाउ टू कोई एड्रेस कर रहा है लोग, हाउ टू फिक्स केपीआई दैट शुड हैव थ्री कैरेक्टरिस्टिक, हाउ टू कीप डिफरेंट गोल्स इट शुड हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ टू फिक्स रिवॉर्ड्स इट शुड हैव दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें एक है मोटिवेशन, एक है मोटिवेशन, दूसरा है इट शुड बी क्लियर। क्लियर मतलब रिवॉर्ड शुड बी क्लियर मतलब कम्युनिकेटेड, एंड तीसरा है इट शुड हैव अ कंट्रोलेबिलिटी फीचर, कंट्रोलेबिलिटी। Reward should have motivation, that is employee should feel motivated to achieve that, it should be clearly communicated, and it should be only for those for which employees are held responsible। अनकंट्रोलेबल चीजों के लिए ना रिवॉर्ड होनी चाहिए ना पेनल्टी होनी चाहिए। कंट्रोलेबिलिटी मीन्स कंट्रोलेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द टीम फॉर हुज परफॉर्मेंस एनालिसिस यू आर डूइंग। तो अगर आप किसी को ऐसे चीजों के लिए पनिश कर रहे हो या पेनलाइज कर रहे हो, पनिश मतलब पेनलाइज कर रहे हो, या फिर रिवॉर्ड दे रहे हो जो उनके हाथ में ही नहीं था, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट जस्टिफाइड। ये पूरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल है दोस्तों, ये चार्ट याद रह गया ना तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल हो गया आपका। मतलब अगर आप बोले तो इतना क्लियरली न बैलेंस स्कोर कार्ड बताया न परफॉर्मेंस पिरामिड बताया कि किस तरह से चीजों को फिक्स करें। बैलेंस स्कोर कार्ड खाली गोल्स यानी डिमेंशंस बता दिया था, और अगेन परफॉर्मेंस पिरामिड भी डिमेंशंस पे फोकस करा था। इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये बोलता है कि केपीआई फिक्स करते वक्त आपको क्या क्या खास बात का ध्यान रखना है, और रिवॉर्ड फिक्स करते वक्त भी क्या क्या चीज पे ध्यान देना है। इट शुड हैव मोटिवेशन इन अमंग योर एम्प्लॉइज, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड, एंड इट शुड हैव कंट्रोलेबिलिटी फीचर। हो गया, बिल्डिंग ब्लॉक इज ओवर। अब इसी चीज को ये लोग पड़ 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 किए जा रहे हैं। ठीक है, अभी मुझे कुछ बताने का नहीं है। हो गया हो गया हो गया। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट मॉडल में, परफॉर्मेंस प्रिज्म। प्रिज्म देखा है कभी? कहाँ देखा है? हाँ, ऑफिस में, स्कूल में दिखाया था, लैब में। हाँ, तो बढ़िया, स्कूल में पढ़े आप लोग। हम लोग स्कूल में तो सब नहीं था, कॉकरोच देखा था बस, याद आता है। लिली फ्लावर को काट के दिखाया था, और एक खाली फ्रॉग काटा था एक बार बस।
तो जिस दिन फ्रॉक कट रहा था उस दिन हम लोग भाग गए थे, और कुछ कभी नहीं देखा हम तो। नहीं नहीं हम लोग स्केलेटन इंडियन म्यूजियम में जाके देखे थे। चलिए प्रिज्म अभी देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा जो बेचारे मेरे जैसे गरीब रहे हम लोग ऐसे ही देख के भी प्रिज्म का सेलिब्रेशन कर लेंगे। इंटरेस्टिंग पार्ट है प्रिज्म में कितना फेस होता है, यहां से भी देख के सोच सकते हैं। अगर आप प्रिज्म देखे तो आपको क्लिक करेगा कितना फेस होता है, मतलब ऐसा है ना, मैं तो बना नहीं सकता, अगर ऐसे बनाए तो ज्यादा सही बनेगा क्या? सही बनाया क्या? कितना फेस दिख रहा है? एक इधर, दो इधर, लेफ्ट राइट, पीछे वाला बैक तीन, ऊपर चार, ये पांच। इनसे बेटर बना दिया मैंने, पांच फेस होते हैं प्रिज्म के, ठीक है। तो परफॉर्मेंस प्रिज्म बोलता है कि आपको पांच चीजों का ख्याल रखना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते वक्त। ये पांच जैसे फेस ऑफ प्रिज्म है वैसे पांच चीजों का ख्याल रखना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात कि फोकस किया गया है सिर्फ स्टेक होल्डर्स के नीड पर, स्टेक होल्डर्स को लेके आप सोचो परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपका ठीक चलेगा। बाकी सारे मॉडल चल रहे थे कंपनी गोल्स को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन को लेके, बट ये मॉडल खाली एकमात्र मॉडल है जो स्टेक होल्डर नीड के बारे में सोच रहा है। देखिए केस स्टडी क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लिक करना चाहिए कि ये लोग क्या चीज चाह रहा है, स्टेक होल्डर के बारे में ही खाली सोच रहा है तो परफॉर्मेंस प्रिज्म यूज होगा। क्वेश्चन थोड़ी बोलता है कि आंसर इन द लाइट ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू आंसर इन द लाइट ऑफ परफॉर्मेंस प्रिज्म। प्रिज्म का खासियत एज अगेंस्ट अदर्स, इट इज ओनली फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, इट इज फोकसिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ओके। बाकी हर जगह आप समझिए कंपनी गोल्स था, अब कंपनी गोल्स था तो वो लोग गोल में कस्टमर को लेते थे। वैसे स्टेक होल्डर में क्या कौन कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी स्टेक होल्डर में ही आते हैं, ठीक है। तो बाकी जगह सारे स्टेक होल्डर्स को कंसिडर नहीं करते थे। अब ये मॉडल क्या बोलता है, आपको हर कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर के लिए एक एक प्रिज्म बनाना पड़ेगा, एक प्रिज्म में सारे स्टेक होल्डर नहीं आ रहे, हर कैटेगरी के लिए एक एक प्रिज्म बनेगा। जैसे अगर आप बोलते हो मुझे इम्प्लॉई के प्रति परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना है, इम्प्लॉई हमारा स्टेक होल्डर है, उसके प्रति हमें क्या क्या करना चाहिए उसका परफॉर्मेंस प्रिज्म बनाओ, तो इम्प्लॉई के एंगल से अलग, कस्टमर्स के एंगल से अलग बनेगा, कॉम्पिटिटर्स के एंगल से अलग बनेगा, शेयर होल्डर्स के एंगल से अलग बनेगा, सबके लिए अलग अलग प्रिज्म बनेंगे। वन प्रिज्म कैन नॉट अकोमोडेट ऑल, वन प्रिज्म फॉर वन ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, ठीक। नाउ कैसे सोचना है, इसमें पांच फेसेट क्या है वो यहां पे देखिए, फाइव फेसेट्स आर। नंबर वन, पहले आपको ये देखना है कि हु आर द स्टेक होल्डर्स एंड व्हाट दे वांट, हु एंड व्हाट दे वांट एंड नीड, उनका हमारे से उम्मीद क्या है, कौन है स्टेक होल्डर और वो हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन को उनकी रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटेजीज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द वांट्स एंड नीड्स। तीसरा, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, दीज आर नेसेसरी प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फाइंग द अबव स्ट्रेटेजीज। देखिए स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव को इंडिकेट करता है, स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, ठीक। फिर आप सेट ऑफ एक्शंस क्या बना रहे हो उसको वो देने के लिए,
एंड देन आफ्टर हैविंग सेट ऑफ एक्शन यू हैव टू मेक डिटेल्ड स्टेप्स टू एग्जीक्यूट दोज सेट ऑफ एक्शंस. दोज आर प्रोसेसेस. कैपेबिलिटीज मतलब रिसोर्सेज. व्हाट रिसोर्सेज योर ऑर्गेनाइजेशन नीड. What resources your organization need to execute the processes, to execute the processes. सब चेन में आप देखिए, पहले जानो कौन और क्या चाहिए, फिर कैसे आप दोगे, मतलब this is who, तो ये how you are going to give, and how में ही again ये भी how में ही आता है कि strategies में भी आप how सोच रहे हो, but strategies क्या है, एक पर लॉन्ग टर्म गोल है और उसी का शॉर्ट टर्म प्लान्स या टास्क जो आपको करना है वो प्रोसेसेस है. हाउ इज व्हाट यू वांट टू अचीव इन लॉन्ग टर्म एंड स्मॉल स्मॉल शॉर्ट शॉर्ट मेथड्स आर योर प्रोसेसेस. दीज आर शॉर्ट टर्म मेथड्स दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई. दीज आर शॉर्ट टर्म मेथड्स दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई. Then resources required to execute the process is there. Resources required to execute the process is there. And fifth, ये भी देखो कि उसको खुश करके आपको क्या मिलेगा. ये भी बहुत अच्छा बात बोला लास्ट में कि उनको, उनके पीछे आप इतना मेहनत करोगे, उनका contribution क्या आपके organization में. अगर उनका कोई role है तो आप इतना मेहनत करिए, नहीं तो मत करिए. तो stakeholder contribution कि What management needs from that stakeholder? What management needs from that stakeholder? तो तभी उसके पीछे काम करने के लिए आप motivated feel करेंगे, क्योंकि ultimately जो result होगा वो तो यही आना चाहिए ना. Stakeholder को satisfy करके management को क्या चाहिए, जब वो clear होगा तो they will be able to understand their plans better or execute their plans better. ठीक है, हो गया. परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑलमोस्ट डन हो गया. ओके, अब बस छोटा छोटा बात करना है अपने को. अपने क्या क्या मॉडल पढ़े, देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क पढ़े, परफॉर्मेंस पिरामिड पढ़े, और बिल्डिंग ब्लॉक पढ़े, और परफॉर्मेंस प्रिज्म पढ़े. पिरामिड, प्रिज्म, बिल्डिंग ब्लॉक, बैलेंस स्कोर कार्ड. पहले खाली बैलेंस स्कोर कार्ड पढ़ते थे, अब नया तीन मॉडल जुड़ गया है. ठीक है, ओके. अब इसमें यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर का बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स बता रहे हैं. बेनिफिट्स क्या है कि आप अपना गोल का डेवलपमेंट, क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, सारा अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है. फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन, अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर, क्या आप कर रहे थे मेहनत. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का फायदा क्या है कि आप सबके सामने प्रेजेंट कर सकते हो कि आप भी मेहनत कर रहे थे, करवा रहे थे. हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ टारगेट्स फॉर मैनेजर्स, हेल्प फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, अगर मैं बोलूं, वो है आपका गोल्स अचीव हो जाता है. क्योंकि आप परफॉर्मेंस मेजर अपने करो मैनेजर्स का, तो गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है, और दूसरा ये कंपैरिजन में बहुत हेल्प करता है, जिससे कि आप जान पाते हो कि किसको रखना है, किसको निकालना है, कौन अच्छा कर रहा है, या कहाँ हमारी कमी है, कहाँ उनकी कमी है. स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत सारा पता चलता है. परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना ही चाहिए. यू नो व्हाट, ये सब ट्रेडिशनल पढ़ाई हो गई. अभी एक और आपको एक रियल लाइफ केस स्टडी बताते हैं. परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन का एक सालाना, समझ लीजिए एक मंथ होता है, जिसमें उनके पूरे सीनियर टीम सिर्फ इसी में ऑक्यूपाइड हो जाते हैं. करेक्ट, इसका एक आपको मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं. एक टीम को डिवोट करना पड़ता है जिसका काम ही है परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना, जो बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रेमवर्क या बिल्डिंग ब्लॉक फ्रेमवर्क या प्रिज्म फ्रेमवर्क या पिरामिड फ्रेमवर्क, या फिर कंपनी अपना कोई कस्टमाइज फ्रेमवर्क बनाता है. और उसमें जैसे क्या होता है, एकदम जूनियर जो होते हैं ना, उसका जो टीम लीडर होता है, वो टीम लीडर हर जूनियर के लिए फॉर्म भरेगा. अब हायरार्की में टीम लीडर्स के ऊपर जो मैनेजर बैठा हुआ है,
वो मैनेजर उन टीम लीडर्स के लिए फॉर्म भरेगा कि एक मेरे अंडर में कैसा काम किया, उसके ऊपर सीनियर मैनेजर जो बैठा हुआ है सीनियर मैनेजर मैनेजर के लिए फॉर्म भरेगा। ऐसे पूरा ये एक प्रोसेस मतलब महीना भर चलता है, एक काइंड ऑफ फेस्टिवल होता है। अभी अप्रेजल मंथ चल रहा है, अप्रेजल मंथ चल रहा है, तो उसमें सब सीरियस भी रहते हैं, सब एक दूसरे की चापलूसी भी ज्यादा करते हैं, और उसी के कंक्लूजन के ऊपर यू नो दे एलोकेट इंसेंटिव्स। एंड इन एवरी जॉब एटमोसफियर यू नो दैट द इन केस ऑफ स्टेस वेन यू विल बी क्वालिफाइड एंड प्लेस्ड इन मल्टीनेशनल, इन केस ऑफ जॉब एटमोसफियर सैलरी हैज टू कॉम्पोनेंट्स। वन इज फिक्स्ड विच विल ड्रॉ एट एनी कॉस्ट, मतलब वॉट एवर यू डू नॉट डोंट डू, इफ यू आर एबसेंट दैट इज डिफरेंट, इफ यू आर प्रेजेंट दैट अमाउंट यू विल ड्रॉ। एंड देर इज एनुअल वेरिएबल कॉम्पोनेंट विच इज द बोनस कॉम्पोनेंट विच इज अ मैटर ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस विच एवरी कंपनी विल गिव यू। नाउ दैट बोनस पोर्शन इज यूजली इंक्लूडेड इन योर पैकेज। ओके, पैकेज में अगर आपको बोलते हैं 8 लाख का पैकेज है तो 8 लाख में आप पूछ लेना भैया फिक्स कितना है वेरिएबल कितना है। तो सम कंपनीज विल टेल यू ऑल आर फिक्स, वेरिएबल इज सेपरेट। सम कंपनीज विल टेल यू वेरिएबल इज इंक्लूसिव इन दिस एंड इट इज अप टू 20% ऑफ द सैलरी। तो अप टू है अगेन, तो 20% है तो मान लीजिए वो 120% है तो 100% कितना हुआ, तो दैट यू विल विदड्रॉ कॉन्स्टेंटली एंड रेस्ट इज ऑन डिस्क्रिशन बट इट इज इंक्लूडेड इन योर पैकेज। ओके, तो जनरली हर कंपनियां क्या करती है, 5 से 10% का बोनस हर जन को देती। जनरली हर कंपनियां 5 से 10% का बोनस हर किसी को देती है, समझे रूल्स। इन एवरी कंपनी दे विल गेट 5 to 10%। आप कैसा भी हो, वर्स्ट परफॉर्मर हो तो मतलब होता है ना कॉन्सोलेशन बोनस, ठीक है तुम हमारे साथ जुड़े हो तो इतना तो रखो, बट वो लोग फिर 5% जो रिसीव कर रहे हैं उनको फिर सेट असाइड करना भी शुरू करती है, उनको फिर ऑब्जर्वेशन पीरियड में डाल देती है कि इसको रखने का फायदा भी है कि नहीं है। 5% बोनस इज बेयर मिनिमम, 10% मिल रहा है दैट योर परफॉर्मर, अबव 10% यू आर एक्सलेंट। एंड इंडियन कल्चर में 10% से ज्यादा बोनस बहुत रेयर देते हैं लोग, मतलब सेल पैकेज का 10% बोनस दे रहे तो रेयर है। मतलब आप बहुत अच्छा मेहनत किए, रात को 3-4 बजे तक ऑफिस जाते थे तो 10% आप डिजर्व करते हो, और 15% मतलब तो आपने बहुत चापलूसी भी की है और मतलब वाकई में कंपनी को 4 चांद दिखा दिया तो 15% देंगे। वहीं जापानीज कल्चर में 20-20% तक बोनस जाता है और वो भी साल में 3 बार 4 बार। मतलब वहां पे एम्प्लॉई को इतना सेटिस्फाइड रखा जाता है कि लोग कभी एम्प्लॉयर के बारे में नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, क्योंकि एम्प्लॉयर अपना ग्रोथ को शेयर करता है वहां पे कि अगर आपसे कुछ भी फायदा हुआ तो हम आपके साथ डायरेक्टली शेयर करेंगे। एनीवेज, माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक स्टेप लिया हाल फिलहाल में कि हम लोग ये अप्रेजल का सिस्टम हटा देंगे, बिकॉज इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ अनप्रोडक्टिवनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। से अ मंथ विल बी वेस्टेड ऑफ ऑल सीनियर टीम, नॉट जूनियर्स। अप्रेजल तो सीनियर लोग करते हैं ना, जूनियर कैसा काम करें, तो कहीं ना कहीं हायरार्की में सीनियर लोग ऑब्वियसली हायर प्रोडक्टिविटी भी दिखाते हैं, सीनियर लोग ज्यादा रेमुनरेशन भी ड्रॉ करते हैं। तो आप सोचिए एक ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर टीम एक महीना तक अनप्रोडक्टिवली खाली जूनियर्स का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल कई बार बायस भी हो जाता है, तो जो अच्छा काम किया भी होता है वो अगर चापलूसी नहीं किया तो उसका अप्रेजल गड़बड़ हो गया तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है अप्रेजल सिस्टम से। तो माइक्रोसॉफ्ट ने लास्ट ईयर ये सिस्टम ही अपनी कंपनी से निकाल दिया। तो अब एक क्वेश्चन आता है, तो उस समय एम्प्लॉई मोटिवेटेड कैसे फील करेगा, अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं दोगे उनको तो इंसेंटिव नहीं दोगे, इंसेंटिव नहीं दोगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि हम लोग करेंगे अप्रेजल बट ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होगा, हम लोग एक एल्गोरिदम बना देंगे जिसमें आपका वो सब ये आईटी ऑफिसर्स में कोई अटेंडेंस व अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है, यू नो आप आओ वर्क फ्रॉम होम करो, वर्क फ्रॉम कहीं से भी ऑफिस में आके कहीं पे भी बैठो करो, आप आओगे ना तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा या फिर आपका लॉगिन ही आपका अटेंडेंस है। मतलब आप वर्क फ्रॉम होम हो तो बायोमेट्रिक तो नहीं होगा, तो लॉगिन मतलब आप कंपनी का पोर्टल में घुस गए वो लॉगिन ही आपका अटेंडेंस हो गया।
अब आप लॉगिन कर गए तो सारा डेटा कैप्चर हो रहा है आपका कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। वो एक्टिविटीज पे उन्होंने पैरामीटर्स बांधे हुए हैं कि आपका डिलीवरी क्या है, आपको वर्क क्या क्या मिला था। एक फॉर्मूला सॉफ्टवेयर में सेट कर दिया कि सॉफ्टवेयर थ्रू आउट द ईयर विल मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉय इन एवरी स्फियर्स, लाइक कितना उसका अवेलेबिलिटी था, क्या उसका कैपेबिलिटी था, क्या उसका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन था, सब सॉफ्टवेयर करेगा। एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द ईयर प्रोबेबली द इंसेंटिव विल ऑल्सो बी कैलकुलेटेड थ्रू एल्गोरिदम एंड इट विल बी प्रोसेस्ड। इफ एनी एरर इज देयर तो एक रिव्यू टीम रहेगा, बस वो खाली एरर को देखने आएगा। मतलब कोई ऊपर का सीनियर मैनेजर को पटाने फुसलाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उनका भी टाइम वेस्ट कराने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एल्गोरिदम डिसाइड करेगा। वो एल्गोरिदम में कोई एरर है तो आप आईटी टीम से जाके बात कर लीजिए कि मेरे बारे में ऐसा ऐसा रिपोर्ट निकला है, ये सही नहीं लग रहा है, एक बार आप देखेंगे तो वो अपना फॉर्मूला चेक कर लेगा। इंटरेस्टिंग। परफॉर्मेंस मेजरमेंट का कुछ फ्लॉज भी है तो कुछ बेनिफिट्स भी है। अब ये फ्लॉज में यहाँ पे जो फ्लॉ है, मैं जो बताया वो नहीं बताया। यहाँ पे तो फ्लॉ बता रहा है अलग तरीके से कि जब आप अपने टारगेट्स को सेट कर रहे हैं तो कई बार होता है कि आपके दिमाग में मैनुअली जब आप करते हैं तो उसी का ही फ्लॉ है। इट इज दे आर सेइंग दैट व्हेन यू आर सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट्स देन दिस प्रॉब्लम्स में ऑकर। जैसे कि टनल विजन। टनल विजन मींस खाली एक ही जगह आप देख रहे हो। टनल मींस नैरो व्यू, आपको सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब अंडर अनड्यू फोकस ऑन मेजरमेंट्स टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर एरियाज। एक ही जगह देख रहे हो, बाकी जगह नुकसान करा रहे हो। दूसरा, सब ऑप्टिमाइजेशन। सब ऑप्टिमाइजेशन इज काइंड ऑफ कनेक्टेड टू टनल विजन। फोकस ऑन द मेजरमेंट, फोकस ऑन वन मेजरमेंट टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर्स। मायोपिया। मायोपिया एक्चुअली एक आई डिजीज है जिसमें आपको दूर का कि पास का, दूर का नहीं दिखता है। हम लोग जनरली सब मायोपिक ही हैं, यंगस्टर्स सारे मायोपिक होते हैं। मैं भी मायोपिक हूँ। आप जो जो स्पेक्स पहने मैक्सिमम केसेस में मायोपिक है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं हम लोग तो हम लोग हाइपर मेट्रोपिया, तो पास का दिखना बंद हो जाता है। एनीवेज मायोपिक एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है कि यू आर अच्छा वो बुजुर्ग नहीं है, कभी कभी एक्सेप्शन निकलते हैं, किसी किसी के हो जाते हैं भाई, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते। ठीक है, कोई बात नहीं है, दूर का ही है ना, तो ऐसे तुम लोग उसको मजाक उड़ा रहे। हो जाता है, किसी किसी का बचपन से हो जाता है भाई, गॉड गिफ्ट है। हाँ, तो बस ऑपरेशन करा लेना शादी के पहले। और कितना चश्मा, चश्मा में इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेशन 30-40 हजार में हो जाता है, जिंदगी जीवन भर का काम खत्म। एनीवेज, मायोपिया इज व्हाट? मायोपिया इज व्हाट कि आपको दूर का नहीं समझ में आ रहा, आप शॉर्ट टर्म फोकस हो गए, तो आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। जब आप भी अपने दोस्तों से बात करो, वो हाउ मायोपिक, तो आज का सोच रहा है, 2 साल बाद का तो नहीं सोच रहा, हाउ मायोपिक। तो जैसे मतलब कोई मान लीजिए एसजेसी में ट्यूशन नहीं ले रहा है, कहीं और ले रहा है, तो बस एक ही बात बोलना है, हाउ मायोपिक, हाउ कुड यू। बस वो नहीं समझा तो ज्यादा समझाने का नहीं, वो एडजेक्टिव खोज लेगा। मायोपिक बोल रहे मेरे को मतलब वो शॉर्ट टर्म कहीं का सोच रहा है, लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहा है। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉट प्रेजेंटिंग द डेटा करेक्टली, मिस इंटरप्रेटिंग द डेटा, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे आपने परफॉर्मेंस टारगेट सेट किया, वो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हुए तो मिस इंटरप्रेट होगा। ओसिफिकेशन, कीपिंग आउट ऑफ डेट मेजर्स, ये सब वर्ड यूज करना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मायोपिया ये सब बहुत अच्छा, यहाँ पे एडजेक्टिव्स डाला है, बट ये सब कोई यूज करना जरूरी नहीं है। इंटरेस्टिंग है ये लास्ट, और एक दो तो ओवरलैप भी करता है, जैसे फर्स्ट टू ओवरलैप ही कर रहा है ना, और मायोपिया भी कहीं ना कहीं तीनों एक जैसे ही कनेक्ट होता है। नैरो विजन है, टनल विजन है, सब ऑप्टिमाइजेशन है और मायोपिया है, तो ऑल एक्चुअली
are considering one and same thing, related things you can say. And misrepresentation, misinterpreting is again, misrepresentation is, though both are related, misrepresentation मतलब हमने ठीक से बताया नहीं, misinterpret मतलब सामने वाले ने ठीक से समझा नहीं, और ossification is कभी कभी आप अपना पुराना बुद्धि से ही आउट ऑफ डेट मेजर्स लेके चलते हो कि ये करके दिखाना ही होगा, जबकि उसका जरूरत डायनामिक एनवायरमेंट में नहीं भी हो सकता है. हाँ, नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, बेंचमार्किंग स्कीम्स. बेंचमार्किंग स्कीम्स, ओके. नाउ बेंचमार्किंग एक्चुअली जापानीज ने 1980s में खोजा था, जहां पे 1980s में एक्चुअली इसका यूज सबसे ज्यादा होने लगा, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि उनका एक क्यूरियोसिटी एंड फॉन्डनेस हमेशा रहता था टू अचीव बेस्ट ऑफ बेस्ट, कि हम लोगों को सबसे आगे निकलना है. तो उसके लिए उन्होंने अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपने लिए बेंचमार्क सेट किया. बेंचमार्क आपको अपने लिए एक टारगेट देता है. बेंचमार्क इज बेसिकली अ टारगेट कि आपको ये करना है. अपने लिए बेंचमार्क क्रिएट करते हो अगर आप, तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो. और एवरी ईयर जैसे अपने बोलते हैं ना, न्यू ईयर आ रहा है, क्या रेजोल्यूशन ले रहे हो, तो रेजोल्यूशन इज नथिंग बट योर बेंचमार्क्स दैट यू विश टू अचीव इन द कमिंग ईयर. एंड इट शुड ऑलवेज बी गाइडेड बाई सर्टन प्रिंसिपल्स सो दैट यू आर एबल टू अचीव इट. और इसमें बेंचमार्क में जनरली हम लोग, मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूं कि मैं ऐसे सोचता हूं, जब दूसरे कर पा रहे तो अपने क्यों नहीं, जब दूसरे कर पा रहे हैं तो अपने क्यों नहीं, तो अपने क्यों नहीं, ये इसकी फिलॉसफी है. करके तो देखिए, जब दूसरे कर पा रहे तो अपने क्यों नहीं कर पा रहे, जब दूसरे सोच पा रहे तो अपने क्यों नहीं सोच पा रहे. मतलब जनरली हमारा साइकोलॉजी क्या बोलता है, नहीं नहीं उसका सरकमस्टेंस अलग है, हमारा सरकमस्टेंस अलग है. ठीक है, अगला कर पा रहा है तो कुछ तो तरीका होगा, और हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसको फाइंड आउट तो करिए कम से कम, चलिए उसको कोशिश तो करके देखिए, जब दूसरे कर पा रहे तो अपने क्यों नहीं. ठीक, जैसे हमने बोलते हैं ना, आप कई सारे होते थे जो क्लास में होमवर्क करके आते थे, कई सारे नहीं करते थे, तो जो नहीं करते थे मैं उनको यही तो बोलता था, जो करके आ रहे वो करके आप पा रहे हैं, तो हो तो सकता है, तो आप क्यों नहीं, तो अपने लिए बेंचमार्क तो बनाओ कि मेरे को भी ये करना है. तो ऑब्वियसली आपका अपना जो सेल्फ मोटिवेशन है वो थोड़ा सा बढ़ता है. अब बेंचमार्किंग में 7 different types कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग. कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग नाम से समझ में आता है क्या? हाँ, कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें, कंपैरिजन ऑफ कॉम्पिटिटर्स. अब क्या क्या कंपेयर करेंगे? प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड बिजनेस रिजल्ट. अब बात आता है, कॉम्पिटिटर इतना इंफॉर्मेशन आपको देगा? नहीं देगा, तो कैसे मिलेगा? सर्वे करेंगे? नहीं, सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, और मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटर से अगर दोस्ती है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन से पता लगाते हैं, या फिर ट्रेड एसोसिएशंस का या कोई थर्ड पार्टी का हेल्प लेते हैं. मान लीजिए थर्ड पार्टी, जैसे अब मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये जानना है कि दूसरे कॉस्ट SFM के टीचर कैसे पढ़ा रहे. अब क्या तो मैं खुद अनजाना बन के फोन करूं, या तो कोई कोचिंग एसोसिएशन हो उसमें जाके बैठूं तो बहुत सारी बातें हो तो पता चले, या फिर आपको ही बोलूं, सुनो ना एक स्टूडेंट बन के फोन करो ना, पता तो चले अभी वहां पे क्या हो रहा है. तो दैट इज यूज ऑफ थर्ड पार्टीज. बट यहाँ पे बहुत सारा एथिकल प्रैक्टिस भी आपको फॉलो करना पड़ता है. मतलब यू शुड नॉट मलाइन, यू शुड नॉट लीक द इंफॉर्मेशन टू लाउडली. इफ यू हैव गॉट टू नो समथिंग देन यू शुड यूज इट टू इम्प्रूव योर सेल्फ रादर देन एग्जैजरेटिंग इट. कीप इट कॉन्फिडेंशियल. इवन इफ यू आर नॉट लाइकिंग इट, कीप इट कॉन्फिडेंशियल. इवन इफ यू आर लाइकिंग, इफ यू आर लाइकिंग इट देन यूज इट एंड ग्रो इट, ग्रो फॉर योर सेल्फ. करेक्ट.
Then there is strategic benchmarking. Strategic benchmarking involves a systematic process by which a company seeks to improve their overall performance by examining the लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज. अब वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज खुद का होता है, ये खुद से होता है. ओन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज, नॉट कॉम्पिटिटर का स्ट्रेटजी. कॉम्पिटिटर आपको अपना स्ट्रेटजी कभी नहीं बताएगा, वो आप जानकारी लेना चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, ग्लोबल बेंचमार्किंग. नाउ व्हाट इज ग्लोबल बेंचमार्किंग? कि आप इंटरनेशनल कोई कल्चर या इंटरनेशनल कंपनी से इंस्पायर होके कुछ करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो ग्लोबल इज इंटरनेशनल कल्चर, बिजनेस प्रोसेस एंड ट्रेड प्रैक्टिसेस अक्रॉस कंपनीज. अब वो कैसे पता चलेगा, वो तो आपको रिसर्च करना होगा. आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब वहां से मिल जाएगा ग्लोबल बेंचमार्किंग में. फोर्थ, प्रोसेस बेंचमार्किंग में यू आर एग्जामिनिंग द क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस. क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस, क्रिटिकल मतलब इम्पॉर्टेंट. अब उसको आप कंपेयर कर रहे हो अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस. बेस्ट प्रैक्टिसेस कि दूसरी जगह जब हो रहा है तो अपने यहां क्यों नहीं हो सकता, ऐसा प्रोसेस ऐसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए. अगेंस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक. सो क्या क्या नाम आ रहे हैं? कॉम्पिटिटिव, स्ट्रेटेजिक, देन ग्लोबल, देन प्रोसेस. देन फिफ्थ इज फंक्शनल बेंचमार्किंग विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स और एरियाज ऑफ एक्टिविटी टू फाइंड वेज ऑफ इम्प्रूविंग सिमिलर फंक्शन. ओके, दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग में लीड टू इनोवेशन एंड ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स. इसमें पूरा फंक्शन को चेंज करते हैं, पूरा डिपार्टमेंट को चेंज कर देते हैं, ओवरहॉल कर देते हैं, आप ऐसा समझिए. फंक्शन इज एक्चुअली रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. सर तो एक चीज बताओ, डिपार्टमेंट और ये प्रोसेस में फर्क क्या हुआ? डिपार्टमेंट के अंदर प्रोसेस होते हैं, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं. एंड मेनी टाइम्स प्रोसेस, कई बार अगर और मैक्रो परस्पेक्टिव से देखें तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस हो सकता है, उस प्रोसेस में मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं. दोनों तरह से सोचा जाता है, डिपेंड करता है आपका आर्किटेक्चर कैसा है ना. सिक्स्थ, इंटरनल बेंचमार्किंग इज विद इन योर सेल्फ विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन. आप बाहर कहीं नहीं जा रहे, जैसे आपका होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडियरी कंपनी है, या आपका एक कंपनी है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो इंटरनल बेंचमार्किंग आप कर रहे हो कि कौन ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, देखो वो कैसे कर पा रहा है, आप लोग भी क्यों नहीं करते. ठीक, देन एक्सटर्नल बेंचमार्किंग इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जो बेस्ट है उसको चूज करके लाइए. द आइडिया इज जो बेस्ट है उसको परस्यू करने का कोशिश करिए. Now, how this benchmarking is different from business excellence? क्या लगता है, बेंचमार्क करना और बिजनेस एक्सेलेंस टारगेट सेट करना, उस दोनों में फर्क क्या है? नहीं समझ में आ रहा है. बेंचमार्क एक्चुअली क्या है? इट्स मियर कंपैरिजन. दूसरे क्या करे तो अपन भी वो करेंगे, देखा देखी है. बट एक्सेलेंस देखा देखी नहीं है, इंट्रिंसिक है, जो आप अपने लिए सेट करते हो कि मेरे को दूसरे जो नहीं कर रहे उससे बहुत बेहतर कुछ करके निकलना है. एक्सेलेंस इज एक्सीडिंग ओन सेल्फ, नहीं बोलेंगे एक्सीडिंग ऑल व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, उनसे और बेहतर करना है. बेंचमार्क बोल रहा है जो वो कर रहा है वो आप करो, बट एक्सेलेंस बोल रहा है जो कोई नहीं कर रहा, सोच भी नहीं रहा, वो आप करो. एंड एक्सेलेंस यूजुअली एक पेशेंट जॉब है जो लॉन्ग टर्म में अचीव किया जा सकता है, बट बेंचमार्किंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों होता है. वो डिपेंड करता है आप क्या चीज को लेकर बेंचमार्क सेट करो, है ना. जैसे मान लीजिए फेडेक्स करके कुरियर कंपनी है, उसका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. ठीक है, तो फेडेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से
कंपैरिजन कर रहा है कोको कोला कि हमारा भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होना चाहिए कि हम लोग यहां पे बनाए और कहां कहां पहुंचा दे, तो ये बेंचमार्क हुआ। बट जो कोई नहीं कर रहा, हम लोग उससे कुछ करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपने खुद से पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट करेंगे। कोको कोला वगैरह का सोच से ऊपर है, उसको एक्सेलेंस बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब आप बोलेंगे कि सर कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं, फेडेक्स कहां और कोको कोला कहां, दोनों का प्रोडक्ट अलग, एक मैन्युफैक्चरिंग एक सर्विस। बेंचमार्किंग कोई भी दायरा इस तरह का मानता नहीं, आपको सिमिलर फंक्शन खोजने। अब वो विद इन द इंडस्ट्री भी होता है या आउटसाइड इंडस्ट्री भी होता है। आज लेनोवो जैसे ब्रांड नेम अपना बना रखा है वो कंप्यूटर मार्केट में है, तो मैकडॉनल्ड भी सोच सकता है कि हमको भी वैसा बनाना है लेनोवो जैसा, मेरे को समझ में आता उसका ब्रांडिंग। जैसे एप्पल ने अपना ब्रांडिंग जब शुरू किया तो उन्होंने अपना बेस ऑफ बेंचमार्क रखा ब्रांडिंग का नाइकी। इट्स अ रियल स्टोरी। नाइकी को बेस रखा बेंचमार्क के लिए कि हम लोग नाइकी जैसा कुछ करेंगे। तो हालांकि दोनों अलग इंडस्ट्री से, तो स्टीव जॉब्स ने बोला था अपने प्राइवेट सीनियर टीम मेंबर्स के मीटिंग में कि नाइकी का एक खासियत है कि उसने कभी भी अपने एडवर्टीजमेंट्स में या ब्रांडिंग में अपना प्रोडक्ट को ज्यादा हाईलाइट नहीं किया, उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को ज्यादा हाईलाइट किया। वो हमेशा एथलीट्स को रिवॉर्ड करते हुए दिखाए गए, उनको प्रेज करते हुए दिखाए गए, समझ गए? तो वो एथलीट के प्रति जो रेस्पेक्ट उन्होंने दिखाया, तो बाय डिफॉल्ट नाइकी एक ब्रांड इमेज डिफरेंट लेवल पे लेके चला गया अपना। एंड इट वॉज अ रेस्पेक्ट बेसिकली टू द एथलीट्स, और वो हाईलाइट कर रहा है बस कि एथलीट्स जो स्पोर्ट्स शू पहन रहे वो नाइकी का है, बट उसमें नाइकी का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, उसमें लास्ट में एथलीट को रिवॉर्ड ही कर रहे, उनको ही प्रेज कर रहे। तो लोगों को समझ में आया कि शायद इसका जूता पहन के दौड़ने से मैं भी एथलीट बन जाऊंगा या मेरे को भी इतना इज्जत मिलेगा। इट एक्चुअली अपीयर्ड लाइक दैट। मे बी लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। तो एप्पल ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने बोला कि हम लोग जो हमारे इम्प्लॉयज, एप्पल आज भी ये रूल फॉलो करता है, हम लोग हमारे जो इम्प्लॉयज है जो हमें टेक्नोलॉजिकली एम्पावर करेंगे, हम लोग उनमें रिवॉर्ड वगैरह बहुत ज्यादा बांटेंगे। तो एप्पल एम्प्लॉय होना मतलब वर्ल्ड का बेस्ट कंपनी में काम करो, बिकॉज उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए फिर अपने लिए एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए या उनको ऑनर करने के लिए, उसका कोई मतलब वर्ल्ड लेवल में और कोई बेंचमार्क सेट नहीं कर पाया फिर उससे ऊपर। ठीक है, तो एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में दो पार्ट आ गया। फिर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के बाद इंट्रा ग्रुप और इंटर इंडस्ट्री। इंट्रा ग्रुप इज विद इन द इंडस्ट्री एंड इंटर इंडस्ट्री इज आउटसाइड द इंडस्ट्री। जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा था, एप्पल वर्सेस नाइक आपको बताया मैंने, ओके। बेंचमार्किंग का गोल्स होता है कि कैसे आपको प्लान करना चाहिए। बेंचमार्किंग कैन डिलीवर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स एंड रिटर्न्स बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग्स एंड न्यू रेवेन्यूज। बेंचमार्किंग प्रोजेक्ट्स टिपिकली टारगेट साइकिल टाइम्स, प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सर्विस क्वालिटी एंड न्यू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। दे ऑल्सो कैन बी पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू शिफ्ट द कल्चर ऑफ अ कंपनी टू मोर कस्टमर ओरिएंटेड एंड रिजल्ट फोकस्ड। मतलब दिस इज बेसिकली द गोल ऑफ एवरी बेंचमार्क, कि यहाँ पे जनरली क्वालिटी को, कस्टमर सर्विस को, प्रोडक्शन कॉस्ट को भी टारगेट करते हैं। मतलब इसमें आप बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल्स एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स दोनों पे फोकस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग। प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग में आते हैं तो वी हैव फाइव स्टेजेस। फाइव स्टेजेस, वन इज प्लानिंग,
जनरल है, कोई भी चीज का प्रोसेस आप देखिए ऐसे ही आता है कि पहले सोचो, फिर उसका डेटा वेटा, फिर एनालाइज द फाइंडिंग्स, फिर रिकमेंडेशन, फिर मॉनिटरिंग. ये बहुत कॉमन है. मतलब अगर इसमें जैसे 5 स्टेप में आप जो वर्ड्स चूज करें वो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो गया तो भी चलता है. इसको हम लोग एक्चुअली जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते थे ना, तो एक पॉइंट आता था, इंटर का बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, एक कॉन्सेप्ट होता था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, विच यूज टू टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट एनी स्ट्रेटेजी. ये मैंने भी जब रेलेवेंट कॉस्टिंग आपको पढ़ाया है तो स्टार्टिंग ऐसे ही किया था, हाउ टू मेक डिसीजंस, डिसीजन कैसे करते हैं. तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज ओनली प्लानिंग. सेकेंड इज ऑब्वियसली फाइंडिंग डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग दैट ऑब्जेक्टिव, करेक्ट. एंड फॉर दैट यू माइट हैव टू कलेक्ट सेवरल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एंड देन यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स, देन सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट इट एंड मॉनिटर इट सो दैट यू कैन डू बेटर इन फ्यूचर. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क था. व्हाट वाज इट? इट वाज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क. और ये कहीं पे भी कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं तो इसी तरह का स्टेप्स में आंसर लिखते हैं. मतलब एनी इम्प्लीमेंटेशन इज यूजुअली गाइडेड बाय दीज स्टेप्स. दिस कॉमन स्टेप्स आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे. दीज आर यूजुअली कॉमन स्टेप्स इन एवरी इम्प्लीमेंटेशन. कोई कोई जगह एक दो पॉइंट डिफर करता है, बट मैक्सिमम केसेस में यही स्टेप्स निकल के आते हैं. बोलते हैं बेंचमार्किंग सबसे ज्यादा फ्रूटफुल वहीं पे पहले करना चाहिए. फ्रूटफुली पहले, सबसे पहले अगर आप बेंचमार्किंग करो तो वहीं पे करो जहां पर आपका बहुत ज्यादा कैश टाइड अप होता है, तो आप वहां पे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ला भी पाओगे, राइट. अगर आप ऐसा जगह बेंचमार्किंग सेट कर रहे हो जहां पे उतना आपका कैश फ्लो का कंस्ट्रेंट है ही नहीं, तो आपका कोई रिजल्ट का फायदा नहीं है. बेंचमार्किंग बोलते हैं वहीं करना चाहिए. यहाँ पे एक लिखा हुआ है, जैसे वन शुड स्टार्ट विद द एरियाज विच अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर और विच टाई अप द मोस्ट ऑफ द कैश. ठीक है, अब प्लानिंग को लेके इन्होंने बहुत बड़ा बात बताया. और वो सारा गोल्स जो है ना, यहाँ पे जो पढ़ा आपने ऊपर का सारा गोल्स, जो ऊपर में पढ़ा गोल्स ऑफ बेंचमार्क, उसको रिपीट किया है इस पर्टिकुलर स्टेप में. कलेक्शन ऑफ डेटा में कहाँ से डेटा लाओगे बेंचमार्किंग के लिए? अभी तो बताया मैंने, सर्वे करो, एसोसिएशन पे जाओ, थर्ड पार्टी रिसर्च एजेंसीज होती है उनसे ले लो. ठीक है, अब उसी के लिए सारा यहाँ पे नीचे ज्ञान भी दिया हुआ है. मैंने लिखा सर्वे करो, एसोसिएशंस के पास जाओ, ट्रेड एसोसिएशन. और आजकल तो क्या है ना, कंट्रियां भी कॉन्शियस हो रही है कि आप क्वालिटी बढ़ाइए. तो जैसे इंडिया ने भी बना रखा है, नेशनल डेटा सेंटर बना रखा है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड खोजती रहती है अलग अलग कैटेगरीज में. और वो एक म्यूजियम जैसा बना हुआ, डेटा म्यूजियम जैसा, आप जाइए वहां पे आपको सब डेटा मिलेगा. गवर्नमेंट का सारा रिसर्च वर्क का आपको एक्सेस मिल जाता है. तो दूसरे क्या कर रहे हैं, आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट का डेटा सेंटर के पास जाइए. एंड देर आर प्राइवेट एजेंसीज ऑल्सो हु विल प्रोवाइड द डेटा कि वॉट अदर्स आर डूइंग. सर्वे एजेंसीज होती है जो कलेक्ट करके आपको सारा एनालिसिस करके लाके देंगी. तो ये सब रिपीट यहाँ पे हो रहा है. आप देखिए कलेक्शन ऑफ डेटा में हाउ आर द डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डेटा, हाउ आर द डिफरेंट वेज टू कलेक्ट द डेटा. देन यू हैव टू एनालाइज द फाइंडिंग्स, एनालाइज द फाइंडिंग्स एंड यू हैव टू रिकमेंड द सोल्यूशन एंड मॉनिटर इट एंड रिव्यू इट. डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन, नहीं पहले आ रहा है प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल बेंचमार्किंग. प्री रिक्विजिट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट, सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए हु आर कमिटेड टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. वरना वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई भी
बेंचमार्क का बात का वैल्यू ही नहीं रहेगा. फिर वही सब कॉमन बातें हैं. देखिए, क्लियरली डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क इज अप्रोप्रिएट इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. रिपीट लगता है मेरे को. रिसोर्सेज आर अवेलेबल, क्लियर पिक्चर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बिफोर अप्रोचिंग अदर्स फॉर कंपेरिजन. आप अपने आप को तो टटोल लीजिए, आप क्या कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज में. फिर दूसरों का साथ कंपेयर करिए. अपना खुद का नहीं पता, दूसरों से कंपेयर करके अपने लिए टारगेट बना रहे हैं. हो सकता है आप बेटर यू ऑलरेडी. बेंचमार्किंग टीम शुड हैव द राइट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. स्टेक होल्डर्स पर्टिकुलरली स्टाफ एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर केप्ट इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस ऑफ बेंचमार्किंग. वरना वो लोग कई बार ईगो पे ले लेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहा है मेरे को. रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको समझना जरूरी है. करेक्ट, ऑब्जेक्टिव को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्हाई दिस बेंचमार्किंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट. डिफिकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिफिकल्ट टू अचीव भी होता है, स्टाफ टाइम जाता है, कंपनी रिसोर्सेज जाता है, सीनियर मैनेजर लोग को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उनका टाइम कभी कभी अनप्रोडक्टिव होता है और उनके रोल्स मेनी टाइम डेलीगेट भी नहीं हो पाते. एम्प्लॉय रेजिस्टेंस आएगा ही कि मेरे को क्यों बोल रहे ऐसे, वो लोग कर पा रहे तो करने दो ना, मेरे को क्यों करना है. और बाकी जैसे कई बार होता है बेंचमार्किंग आप नॉन क्रिटिकल चीजों को लेके बैठ गए. आप मियरली दूसरी कंपनी का प्रोसेस को अडॉप्ट कर लोगे तो आपको और नुकसान होगा. आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से उसको बदलना भी पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट कॉपी पेस्ट द बेंचमार्क. डोंट कॉपी पेस्ट. आप अपना दूसरा से जब कंपेयर करो तो डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट. उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिए और फिर सोचिए. डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बेंचमार्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको क्या क्या खास बात का ध्यान रखना है. जैसे प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी. अब लीगैलिटी मीन्स लीगल फ्रेमवर्क ही ना सोचिए, एक नॉन लीगल भी होता है. जैसे बोलते हैं ना, मर्दों से उनकी कमाई ना पूछी जाए, औरतों से उनकी उम्र ना पूछी जाए. ये भी लीगैलिटी है. मतलब इसमें कोई केस नहीं है बट पूछना नहीं चाहिए, खराब लगता है उनको. तो यही चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी इज अबाउट नेवर इन केस ऑफ बेंचमार्किंग आस्क एनी क्वेश्चन दैट मे बी सेंटिमेंटल. ओके, सो डू जैसे कॉम्पिटिटर्स के सामने आप उससे पूछोगे आप कितना में बनाते हैं, वो कभी नहीं बताएगा. उनको हर्ट कर जाएगा, वो रिलेशन खराब होगा. और हम लोग क्या करते हैं ना, अनजाने में पूछ बैठते हैं. भले ही आप आउटसाइड द इंडस्ट्री जाके पूछेंगे तो भी नहीं बताएगा वो. मेरे साथ अभी हुआ, यहाँ पे कलकत्ता में एक लाउंज है, रेज द बार. गए क्या रेज द बार? गए नहीं? गए, मस्त है, बहुत अच्छा बना हुआ है. उनके ओनर हमारे जान पहचान के. तो एक दिन बैठे बैठे बात कर रहे थे वहीं पे रेस द बार में. तो मतलब भैया यहाँ पे ये सब ओनरशिप का जगह है आप लोगों का कि रेंट का जगह है? ये सब बिल्डिंग ये लोग ओनरशिप में बेचा हुआ है कि रेंटल में देते हैं? नहीं नहीं, पूरा रेंटल मॉडल है यहाँ पे, ओनरशिप का कुछ नहीं. अगर इतना पूछते हो तो खुशी खुशी बता दिया, बट क्या क्यूरियोसिटी अंदर की मानती नहीं कितना भाड़ा लग जाता है? अंदाज हो तो कुछ आइडिया लगे. अब मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि मेरे को वैसा लाउंज खोलना है. मैं अलग इंडस्ट्री, वो अलग इंडस्ट्री. उनको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट सेंसिटिव क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए. नेवर आस्क एनी कॉम्पिटिटर विद इन द इंडस्ट्री, आउटसाइड इंडस्ट्री अबाउट इट्स कॉस्ट. वो नहीं बताएगा. वो बोले देखो मालूम सब है, मेरा लड़का लोग दिखता है, हमको उतना मालूम नहीं. और उसके बाद क्या हुआ ना, जो चेहरे का रवैया ववैया सब चेंज हो गया कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया. वो कन्वर्सेशन ही वहां पे खत्म हो गया, ओपननेस चला गया. तो ये सब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी कि किसके सामने क्या पूछना है. इट्स नॉट ऑलवेज आउट ऑफ योर क्यूरियोसिटी. इसी को अनुभव बोलते हैं, इसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं. फिर मैंने बाद में रियलाइज किया कि चलो ठीक है, आई हैव लॉक्ड इट. Now I'll keep it in mind. So
सेवरल टाइम्स वी डोंट आस्क. जैसे मान लीजिए आप मेरे यहाँ जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ओके, नाउ यू वॉन्ट टू गिव पेपर्स कि सर मैं दूसरा जगह जाना चाहता हूँ, तो आई एम नॉट सपोज टू आस्क वहां कितना मिला. आई एम नॉट सपोज टू आस्क, दैट्स लीगैलिटी. यहां तू छोड़ के जा रहा है बस, दैट्स ओके. वहां कितना मिला वो मैं थर्ड पार्टी से पूछ सकता हूँ, तेरे को पता है क्या उसको क्या मिला, उससे पूछूंगा तो उल्टा जवाब भी आ सकता है, या फिर जवाब नहीं आएगा तो और खराब लगेगा. तो दिस इज वॉट दे आर सेइंग. कितना अच्छा बात है, देखिए कितना समझदारी से, जैसे बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं ना वैसे सब पढ़ाई हम लोगों को सिखा दे रहे हैं कि ये करना ये नहीं करना, ऐसे करने से ऐसे खराब लगता है लोगों को. और एक्सपीरियंस हुआ हुआ है तो मतलब क्या होता है ना, जब ये सब बताते हैं ना तो घुस बम्प होता है कि ऐसा कैसे पूछ ले. बहुत बार होता है, जैसे हम लोग जब कॉलेज डेज में थे तो भैया लोग मिलते थे, वो लोग ऑफिस जाते हैं, हम लोग नया नए पैकेज वैकेज का सिस्टम सुन रहे थे कि ऐसा पैकेज लगता है, तो पता चलता है उनको नया जॉब मिला तो भैया पैकेज क्या है. अब पूछे तो खराब लगता है, तो लोग बात घुमा देते हैं. अरे जबकि मेरा उनका कोई लेना देना नहीं है, यू कैन नॉट आस्क सर्टेन थिंग्स, दैट इज द रूल. लोग बात घुमा देते हैं, फिर पूछते भैया बताए नहीं. तो ये सब चक्कर होते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. भैया दूसरों से खोदा पूछते हो ना तो अपना भी बताने का शक्ति रखो. बहुत लोगों का आदत होता है और बता, वो 50 तो चीज पूछ लेगा, फिर आप पूछें अच्छा चल ठीक है फिर बात करते हैं. ये मतलब कैरेक्टर होता है आदमी लोगों का. जब कोई कुछ पूछता है तो बदले में बताने का भी हिम्मत रखिए, ओपननेस रखिए, तब तो अगला वापस आपको मदद करेगा. और ये कैरेक्टर मैंने एक बहुत अच्छा देखा प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज में, बड़े लोग में देखा. मतलब एक होता है ना माइंडसेट होता है जो एकदम ऊपर लेवल में है, जो मतलब दुनिया की चोटी पे कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हैं, जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, और एक मान लीजिए बस नया नया ऊपर उठे हैं. तो हम लोग जब बेस पे है तो हम लोग के लिए तो दोनों ही महान है, बट आपको डिस्टिंग्विश करना होता है कौन ज्यादा महान है कौन कम महान है, किसमें नया नया चस्का लगा है कौन यूज टू हो चुका है. तो जो यूज टू हो चुका है उनका खासियत आपको बताता है, व्हेन यू विल आस्क देम एनीथिंग दे विल ओपन द थिंग्स लाइक कि आपसे बढ़िया इंसान कोई था नहीं उनकी जिंदगी में जिन्होंने ये सवाल पूछा, और वो सब कुछ खुलासा बता देंगे. पूछने का देर है, बिना पूछे नहीं बताएंगे. बिना पूछे बताने वाला थोड़ा सा वो होता है कि गॉसिप कर रहा है, और पूछने पे पूरा क्लियर ये ऐसे 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 ऐसे. और वही जो मान लो थोड़ा सा इनसिक्योर होता है ना जिंदगी में, हम अभी ऊपर आया यार इन लोगों को क्या इतना खोदा है, वो वही एक्सचेंज करने में कलमलाएगा, वो पूछ लेगा सारा अपना बताने में पिछड़ जाएगी. तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यही बोल रहा है भाई, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. आप ऐसा नहीं करो कि सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके रख लो. प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आप समझ ही रहे होंगे, ये तो मैंने ऊपर में भी बोला कि कोई भी इंफॉर्मेशन को एग्जैजरेट नहीं करना कभी कुछ पता चले तो, और एग्जैजरेट नहीं करना. उसके बाद ये भी है कि गॉसिप नहीं बनाना, किसी को लीक मत करना, ये सब बेसिक चीजें, ये तो आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी सीखते ही हैं रिलेटेड टू योर क्लाइंट्स. बट क्या होता है जनरली ये देखा जाता है ना, लोग इनडायरेक्टली इधर उधर बोलते फिरते ही नहीं तो पेट में पचेगा कैसे. बट एग्जैजरेट नहीं करना. प्रिंसिपल ऑफ यूज, आप उतना ही इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करिए जो आपके काम का है, आपको ज्यादा डेप्थ में उतरने का जरूरत नहीं है, जो आपका इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा. प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट, फर्स्ट पार्टी कॉन्टैक्ट इज व्हाट,
मतलब कोशिश करके एक ही आदमी से हमेशा कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन लिया करिए। आप हर जन से लेंगे तो अगेन क्लैरिटी भी नहीं आएगा, डिट्रीमेंटल भी हो सकता है। ओके तो जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने वाला है वो भी कुछ और सोच सकता है कि मैं तो खुद ही बता ही देता था, फिर कोई दूसरा जगह तीसरा जगह पूछने जाता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ थर्ड पार्टी कॉन्टैक्ट समझ गए, इसमें आउटसाइड एजेंसीज वगैरह रहेंगी। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन इज लाइक आप डेमोन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस विद एडिक्वेट प्रिपरेशन एट ईच प्रोसेस स्टेप, पर्टिकुलरली एट इनिशियल पार्टनरिंग कॉन्टैक्ट। इट्स ऑल अबाउट आप हर स्टेप ऑफ बेंचमार्किंग को ठीक से एग्जीक्यूट करो, दिस दैट्स द प्रिंसिपल ओनली। देन लास्टली इट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर। नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर में आप लोगों को स्पेशल ऑडिट्स पढ़े हैं, याद आता है स्पेशल ऑडिट्स? हाँ, उसमें आता था ना नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर का ऑडिट, एनजीओ का ऑडिट, क्या कैरेक्टर होता थे उनके, कुछ याद है? कोई पॉइंट्स याद है? कुछ याद आ रहे पॉइंट्स? रिसीट से, वो तो आप अकाउंटिंग बोलने लगे। ऑडिट में क्या चेक लगाना पड़ता था? फंड कहां से मिल रहा है और कुछ प्रिंसिपल्स थे, नहीं याद आ रहा है? नहीं नहीं, वो तो आप इनकम टैक्स में चले गए, 15% 85% वो इनकम टैक्स का लॉ में चले गए। नहीं, एक प्रिंसिपल ऑफ होता था प्रोप्राइटी, क्या होता था वो? एनीवेज तीन स्पेशल पॉइंट्स आते हैं। एक आता है इफेक्टिवनेस, दूसरा आता है इकोनॉमी, और तीसरा आता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब आप जिस उद्देश्य से अपने एनजीओ को बनाए हैं वो आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं, मिशन ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर पा रहे हो कि नहीं। एफिशिएंसी मतलब आप मैक्सिमम रिजल्ट्स फ्रॉम मिनिमम कॉस्ट ला पा रहे हो कि नहीं। और तीसरा, आप लीस्ट कॉस्ट पे आउटपुट बना पा रहे हो कि नहीं। तीन पॉइंट है। प्रोप्राइटी ऑडिट बोल के होता था उनका, जिसके ये तीन पॉइंट आते थे कि एज एन ऑडिटर यू शुड ऑल्सो सी देयर, सिंस दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट सो दे शुड नॉट वेस्ट मनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स, सो वेदर दे आर एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव और नॉट, whether they are able to achieve efficiency or not, and you have to also see whether the things are at least cost or not. बोलते इसको चेक करने के लिए should have KPI, आपका key performance indicator होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि आपका mission और objective आप achieve कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। You should have KPIs. Should have KPIs. This framework is named as value for money framework. थ्री ई मॉडल आप ऐसा समझिए, थ्री ईज है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटेबल स्कूल चलता है, उसका उद्देश्य होगा कुछ कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना, तो लोग अचीव कर पा रहे कि नहीं वो कैसे मेजर करोगे, एक मेजरमेंट होना चाहिए, मे बी नंबर ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग द स्कूल, नंबर ऑफ और यू कैन से केपीआई इज स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, इट कैन बी ऑल्सो लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट. चैरिटेबल स्कूल का एक प्रॉब्लम होता है, फ्री में चल रहा है ना, स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ऐसे भी तो स्कूल का फीस तो दे नहीं रहे, तो अब जिंदगी के लिए कुछ काम करने के लिए वो लोग निकल लेते तुरंत, तो दे आर मे बी सेवरल ड्रॉप आउट्स. तो अगर आप केपीआईज रखोगे तो यू विल बी एबल टू ट्रैक वेदर द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अकम्प्लिश्ड और नॉट. इसी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि इफेक्टिवनेस जज करने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर कर सकते हैं. देन एफिशिएंसी के लिए मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम में यू कैन चेक अगेन कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ट्रेन्ड पर आवर स्पेंट बाय टीचर्स, मतलब एवरी मेजरमेंट शुड बी गाइडेड बाय केपीआई. ठीक है, मतलब शुड हैव केपीआई इसके लिए क्यों, सबके लिए केपीआई होना चाहिए, शुड हैव केपीआई सब में होगा. एफिशिएंसी चेक करने का भी केपीआई होना चाहिए, आउटपुट लीस्ट कॉस्ट पे आ रहा है कि नहीं उसका भी केपीआई होना चाहिए. केपीआई बिना तो आप परफॉर्मेंस मेजर कर ही नहीं पा रहे हो. सो एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं, वो टीचर स्टूडेंट रेशियो से भी पता चलता है ना, और इकोनॉमी में अमाउंट स्पेंट ऑन रेमुनरेशन ऑफ टीचर्स. ओके, नेक्स्ट इसका प्रॉब्लम्स भी है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कि इसमें बेनिफिट्स नॉन प्रॉफिट में पता नहीं चलता क्योंकि ये लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, तो व्हाट आर द वेज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट. उसी के लिए थ्री ईज बना कि वो लोग इफेक्टिवनेस है, ला पा रहे कि नहीं, अपने विजन में जा पा रहे कि नहीं, वो देखना होता है. फिर बेनिफिट्स उसका कई बार होता है कि लॉन्ग टर्म में आ रहा हो, शॉर्ट टर्म में नहीं पता चलता, इसलिए केपीआई बहुत स्ट्रेटेजिकली बनाना पड़ता है. द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इज टू हैव प्रॉपर केपीआईज. देन देयर कैन बी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, ओके, एंड देन देयर कैन बी आपका प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड एक्सपेंडिचर. तो बहुत बार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये मेजरमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड एक्सपेंडिचर, या आप अपने अकाउंटिंग बुद्धि से बता सकते हैं, उन लोग इवेंट वाइज या प्रोग्राम वाइज या प्रोजेक्ट वाइज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट खोलते हैं, प्रोजेक्ट वाइज बैंक अकाउंट भी खोल के रखते हैं. इस प्रोजेक्ट का ये बैंक अकाउंट है, इसका रिसीट यहीं पे आएगा, इसका पेमेंट भी यहीं से जाएगा. सो दैट वे दे हैव कंट्रोल्ड द थिंग्स, ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया. एंड अदर थिंग्स कैन बी सॉल्व्ड बाय हैविंग प्रॉपर केपीआईज. एंड दिस इज ओवर. इन लोगों के लिए एक और बोला गया है, यू कैन हैव एन अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड परस्पेक्टिव. एक और बोला गया कि ट्रिपल ई के साथ साथ दे कैन हैव अडेप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड. से आई विल राइट दिस हियर. इनके लिए दो चीज है, एक यहां पर लिख देते हेडिंग में, थ्री ईज है एंड एक और है अडेप्टेड बीएससी, मतलब मॉडिफाइड वर्जन ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड. नाउ हाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड, इट इज बैलेंस स्कोर कार्ड के चार परस्पेक्टिव तो आपको याद ही है, कस्टमर, फाइनेंशियल, इंटरनल प्रोसेस एंड इनोवेशन इन लर्निंग. एक्चुअली इनोवेशन इज सपोज टू कम हियर, इनोवेशन इज नॉट सपोज टू कम हियर. ये लोग बहुत सारे बुक्स में ऑथर लोग ऐसे लिख रहे हैं, बट अगर मैं रॉबर्ट कैपलन का इंटरव्यू सुनूं, उनका किताब को पढ़ूं, तो इनोवेशन इज पार्ट ऑफ इंटरनल प्रोसेस. अब कस्टमर परस्पेक्टिव में, कस्टमर्स इन एनजीओज आर द बेनिफिशियरीज. कस्टमर नहीं होते, उनके बेनिफिशियरीज होते हैं. तो बेनिफिशियरीज को फायदा हो रहा है कि नहीं, या उनको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा. बेनिफिशियरीज, ओके, एंड समटाइम्स देयर आर अदर स्टेक होल्डर्स दैट कैन बी योर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो फंड दे रहे हैं उनके एंगल से. एनजीओ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग जिस पर्पज के लिए फंड देते हैं, वो लोग मांग के ले जाते हैं, सर आपका पैसा से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनको किताबें दी जाएंगी, बट वो दी जाएंगी कि नहीं, दैट इज अ मेजर कंसर्न. तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा लैक करता है, ठीक है.
देन देर इज फाइनेंशियल परस्पेक्टिव. फाइनेंशियल परस्पेक्टिव इज ऑब्वियसली रेजिंग द फंड्स. फंड ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, फंड ठीक से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, मतलब एलोकेट हो पा रहा है कि नहीं अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए. फंड लाना, फंड रेज करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, दोनों. अभी तो देखिए एनजीओ का जमाना चल रहा है, ये भी एक तरह का कमाई का साधन तो हो ही गया है लोगों के लिए. बट अगर जैसे कोई नाम वाम करना है तो एनजीओ बनाओ. क्योंकि क्या देखा गया है कि पता है, मतलब एक आदमी लोग का भी एक टेंडेंसी है सोसाइटी में कि जब तक वो गरीब था, अगर गरीब से अमीर बना है ना, तो जब तक वो गरीब था तो अपने लिए स्ट्रगल कर रहा था. जब धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल किया तो फिर स्टेबल होने के बाद वो अपने लिए कंफर्ट खोजा. कंफर्ट खोजा तो फिर अपने लिए फ्यूचर का सेविंग्स खोजने लगा. वो मैस्लोज नीड थ्योरी बोलते हैं ना, वो सब वो करने लगा. उसके बाद अपने परिवार वालों को सेव कर दिया, अपना जनरेशन को सेव कर दिया. अब क्या करे, कुछ तो करना है, खाली थोड़ी बैठना है. रुपया का इनफ्लो रुक नहीं रहा है. तो नेक्स्ट क्या होता है कि मतलब चैरिटी भी एक नशा होता है उनके लिए. करेंगे, दे देंगे करोड़ रुपया, दे देंगे 10 करोड़ रुपया. वॉरेन बफेट ने जितना चैरिटी किया, बोलते अपना 1/3 ऑफ द वेल्थ डोनेट कर दिया. 1/3 की कितना पड़ा है, 85% ऑफ द वेल्थ अपना डोनेट कर दिया. ऐसा कुछ था, चैरिटी में दे दिया. वो नॉर्मल लाइफस्टाइल अपने लिए आज भी मेंटेन करते, एक छोटा सा घर में रहते हैं, एक ही गाड़ी रखते हैं, कोई ऐसा कोई एम्पायर या पैलेस वाला घर भी नहीं है, और 85% वेल्थ डोनेट कर दी. क्या होता है, जब पैसे ज्यादा कमा लेते हैं तो अपने आप एक सेल्फ अकम्प्लिशमेंट ये ले आता है, हम समाज के लिए कुछ करें. हर बड़े लोगों का जिन्होंने बहुत कमाया उन्होंने ये काम किया ही किया. ये अपने आप एक ह्यूमैनिटी वैल्यूज जो होते हैं ना, वो अपने आप ही हमारे अंदर आते ही हैं, हम लोग करते ही हैं, रोक नहीं सकते. तो फंड रेज होने के बाद, फंड रेज होने के बाद, मतलब इट इज इजी एनजीओ चलाने के लिए. इट इज इजी इफ यू हैव अ नेटवर्क ऑफ सच पीपल. आप जाइए, वो लोग लाख दो लाख ऐसी साइन करके दे देंगे. रेज होने के बाद मतलब उनका प्रॉपर्टी ऑडिट नहीं होता, मतलब उधर ये नहीं देखने जाते कि फिर वो फंड को यूज किया कि नहीं किया. आए दिन कॉल आता होगा, यूनिसेफ से बोल रहे हैं सर, यहाँ ग्रीन इंडिया से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं. कभी कभी यहाँ पे चले ही आते हैं, सर वी आर वर्किंग. लड़कियां आती है, सर वी आर वर्किंग प्रोफेशनल्स बट वी वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज, सो इफ यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर दिस दे विल बी ऑल्सो ब्लेस्ड विथ समथिंग. वो रेडियो में हर दिन कुछ ना कुछ, आप आके हमारी ऑफिस में पहुंचा दीजिए. गजब. अब आप ले तो रहे हो बट दे कहां रहे हो, उसका ट्रांसपेरेंसी कैसे है? तो ये कंसर्न आता है, तो इसलिए एनजीओ पे उतना फेथ नहीं आता. बट क्या होता है ना, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट के लिए लोग करते हैं, बड़े बड़े लोग को फर्क ही नहीं पड़ता, करोड़ों रुपया दे देते हैं. ऐसी बहुत सारे फाउंडेशन अभी इंडिया में इमर्ज करे, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग ऐसे ही इमर्ज किया. ईशा फाउंडेशन एक सदगुरु का चल रहा है अभी, तो बहुत नाम करा वो रिवर रैली को लेकर, बहुत ज्यादा उन्होंने कैंपेनिंग किया. देखा आपने रैली फॉर रिवर्स? साउथ इंडिया में नदियां सूख रही है, उसके लिए सरकार को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया, बिल बनाया और सरकार के सामने प्रेजेंट किया कि आपको रिवर को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए. और उसके लिए बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं अपने पूरे फॉलोअर्स को लेके. ईशा फाउंडेशन सदगुरु बहुत अच्छा है उनका सारा स्पीच, मैंने कभी दिखाया भी होगा आपको कॉस्ट की क्लास में. इंटरनल प्रोसेसेस इज इंटरनल एफिशिएंसी, वॉलंटियर डेवलपमेंट एंड क्वालिटी. ओके. एंड देन कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एडजस्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंट. इसमें इनोवेशन को लेके डिस्क्राइब कर दिया. ओके. बट इसमें एक और यहां पे जोड़ना चाहिए, ट्रेनिंग ऑफ वॉलंटियर्स, बिकॉज देयर इज लर्निंग पर्सपेक्टिव ना, तो ट्रेनिंग ऑफ वॉलंटियर्स भी होना चाहिए. वॉलंटियर्स का भी प्रमोशन होता है कि पहले मैं ऐसे ही ज्वाइन किया था, अभी तो मैं एक टीम लीडर हूं. मतलब द आइडिया इज पर्सपेक्टिव्स आर सेम एज बैलेंस स्कोर कार्ड, थिंकिंग इज फॉर एनजीओ. एनजीओ के कस्टमर्स नहीं होते, बेनिफिशियरीज होते या स्टेक होल्डर्स होते.
एनजीओ का फाइनेंस मतलब फंड रेज और फंड एलोकेशन, एनजीओ का इंटरनल बिजनेस प्रोसेस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग एफिशिएंसीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. एफिशिएंसी पोर्शन हम लोग ऊपर में पढ़े ना, वन ऑफ द यानी मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम. अननेसेसरी एनजीओ का रुपया लोग वेस्ट बहुत करते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोग के केस में अभी हुआ, एक एनजीओ था उनका एक और एज पर लीगल रूल उनके पास फॉरेन से रुपए आते तो एफसीआरए का गाइडलाइंस उनके ऊपर लागू है. एफसीआरए का ऑडिट कराना पड़ता है आपको अपने बैंक अकाउंट का और फिर ऑडिट रिपोर्ट जमा करना पड़ता है. तो अब वो ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है एज पर एफसीआरए गाइडलाइंस. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अब नॉर्मली है कितना पता है, बैंक अकाउंट में पूरा साल में चार ट्रांजेक्शन या दो ट्रांजेक्शन, उसमें वन पेज रिपोर्ट बनता है. ऑडिट रिपोर्ट वन पेज का ही होता है और वो साइन करना है. एंड इट इज इफ एनी आर्टिकल सिट्स देन ही कैन डू द जॉब इन वन आवर इंक्लूडिंग एवरीथिंग इफ एनी आर्टिकल सिट्स. एंड इट इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज श्योर. अब क्या होता क्या पता है, कोई पूछने वाला तो है नहीं, पैसे तो बाहर से आए हैं, फॉरेन अकाउंट है तो फॉरेन से आए हुए हैं, वो लोग भरोसा करके भेज दिए. अब वो लोग पूछते आप कैसे यूज करोगे, तो आप एक प्लान्स बता देते हो कि यहाँ पे ये खर्च करेंगे, यहाँ पे खर्चा रहेंगे, फिर एडमिन और प्रोसीड्यूरल वर्क के लिए ये सब रखेंगे. अब आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल दीजिए भैया 15,000 का बिल बना देना. और काम मैं बोला ना कितना देर का है, आधा घंटा का, एक घंटा का. खुद से करके भी कई बार दे देते हैं कि बस खाली साइन कर दीजिएगा अपना लेटर हेड में निकाल के, तो 15,000 में करवा देना. 15,000 में एक एफर्ट तो लगे, एक बुद्धि तो लगे, कुछ बुद्धि का काम ही नहीं है. आर्टिकल को दे दीजिए वो बना देगा. बट 15,000 रुपया बिल फड़वा देते, 15,000 रुपया आया. तो ऐसा नहीं, कई लोग तो होता है भैया 14,000 अब मेरे को दे दे या 10,000 मेरे को दे दे, 5,000 तुम रख. एक वो होता है कई लोगों का फितरत में. कई लोगों का फितरत में क्या होता है यू नो, कि 15,000 दे दिया ना, अब तू मेरा 10 काम फ्री में कर देना. तेरे को इधर से नहीं उधर से दिलवा दिया ना, अब मेरा ये पूरा ग्रुप का काम तुम कर देना. ऐसे बहुत होते हैं. कलकत्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी कॉमन, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ये सब काम यहाँ पे बहुत होते हैं. ये सब सेटिंग वाला काम हम लोग कई बार होता है कि कर लेते हैं, सोचते चलो टेम्पररी रूप आ तो रहा है ना. फिर जब मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैंने तो एक नए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने स्टूडेंट को ही पकड़ा. मैं बोला पैसे नहीं मिलेंगे, मंजूर है तो करेगा. बट फिर मैंने ये सोचा कि अगर पैसे नहीं दिया ना, तो पास्ट में जो कंट्रोलर्स रहे हैं उनके ऊपर बहुत उंगलियां उठेंगी. उनके सेंटिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए मैं बोला कि मैं अपने तरफ से कुछ दिलवाऊंगा. तो मैंने उसको बोला 2,000 का बिल बनाना. वही प्रीवियस ईयर बिल आता था 8,000-8,000 9,000 का, और उसको 2,000 भी मिला ना, तो वो बहुत खुश था. उसको भाई हम किया ही क्या, तो कुछ नहीं किया, वो मेरे स्टूडेंट ही थे, हम कुछ किया ही नहीं, हम उनको 2,000 दिलवा दिए. सारा काम तो आपके साथ बैठ के कर लिया, मैं तो खाली साइन किया लास्ट में. तो यही होता है हाउ टू रन एनजीओ विथ जेन्युइन स्पिरिट. मतलब आपको क्या पर्सपेक्टिव लेना है, मतलब आप जब एनजीओ को चला रहे हो उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये सब देखना होता है कि इफेक्टिवनेस के साथ साथ एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, वो इसी चीज को बोलते हैं. एक और होता है, जैसे वो पॉइंट यहां पे आया नहीं, एक होता है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग इन द सेंस कि आप जो बेनिफिशियरीज के बारे में सोच के काम करना शुरू किए, वो बेनिफिशियरीज वाकई में सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसका एक रिपोर्टिंग होना चाहिए. अब होता क्या पता है, रिपोर्ट आते हैं सारे, एनजीओ का प्रोटोकॉल बहुत सारा है, वो रिपोर्ट नहीं होगा ना, फंड रेजर्स का पूरा डिटेल नहीं होगा और फंड फिर यूटिलाइजेशन का पूरा डिटेल रिपोर्ट नहीं होगा, तो ड्यू डिलीजेंस में कभी भी वो पकड़ा जाएगा ऑडिट में बड़ा एनजीओ. तो करते क्या है, तो बड़ा शॉकिंग चीज है. जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर हमने फंड दिया, हम तो बस प्रोवाइडर ऑफ फंड थे, आप एनजीओ थे, कब ने कलेक्ट किया, आपने बोला कि हम लोग कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए कपड़ों का जुगाड़ करेंगे, ठीक है. तो हमने बोला भाई देखो ट्रांसपेरेंसी के लिए, या आपका एनजीओ का ही जो कंट्रोलर है उसने बोला कि ट्रांसपेरेंसी के लिए और ड्यू डिलीजेंस के लिए उन बच्चों का नाम, उनका पता, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो सब भी कलेक्ट कर लेना, उनको देते वक्त साइन करा लेना. अब फंड प्रोवाइडर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जाके सर्विस दे, इसलिए तो वो चेक काट के भेज दिया. और एनजीओ वाले क्या करते हैं पता है,
एजेंसीज को पकड़ते हैं, क्योंकि वो एनजीओ वाले तो लोकलाइज कितना अंदर उतरेंगे, तो हर लोकल एरिया में जहां अंडर प्रिविलेज है उनके एजेंट होते हैं, मतलब वो एक आदमी होता है जो सब चप्पा चप्पा जानता है। वो एजेंट लोग ऐसे होते हैं जो फिर पैसे लेते हैं, आप एजेंट को ही पैसे देते हो, क्योंकि आप हर एक छोटे छोटे बच्चों को जाके हाथ में पैसे कैसे दोगे, आप तो एजेंट के थ्रू ही कराओगे। एजेंट को पैसे दे दो, वही अमाउंट वो फाड़ दो बड़ा वाला, वो अंडर द टेबल आपको अमाउंट देके जाएगा। फिर अब वो उसको ये बोलेंगे कि भैया सबका नाम आधार कार्ड चाहिए, वो डिटेल तुमको तैयार करना होगा। सर कर देंगे, इतना तो आपके लिए करेंगे, बड़ी बड़ी बातें। अब होता क्या है, हम लोगों ने तो नाम पता ले लिया और अपने यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में डाल के रख दिया कि हमने अपना काम बहुत बखूबी से किया, ये देखिए। अब एजेंट से कितना अंडर द टेबल लिया वो छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए। एक और इंटरेस्टिंग, अब ये एजेंट लोग के पास बहुत सारे एनजीओ आते हैं, तो एक और एनजीओ आ गया, हम भी इतना दे देंगे, तो थोड़ी बोलेगा अभी एक एनजीओ देके गया था, क्योंकि आधा से ज्यादा रुपए तो वो खुद रख रहा है, तो थोड़ा बहुत लोगों में बांट रहा है, लोगों की जरूरत पूरी हो ही नहीं रही, लोग बोलेंगे नहीं कि हमें मत दो। एक और एनजीओ आया, उसी एजेंट को पकड़ा, और वो एजेंट बेटा क्या करेगा, वही लिस्ट रेडी किया हुआ है, आप ले लो, पैसे सारे दे दो, थोड़ा बहुत दिखाने के लिए बांट दिया, फोटोग्राफी करवा देंगे, उस दिन आइएगा, एक फंक्शन होगा, क्या दिया आप एक एक जन से पूछेंगे तुमको क्या मिला, कई बार तो आप उनका लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, आप फोटोग्राफी करा के ट्रांसपेरेंसी के लिए आ गए। और एक ही लिस्ट कितना एनजीओ में बट रहा है पता नहीं, सब एनजीओ वाले सोच रहे हैं कि हम लोग तो काम कर रहे हैं, फंड कंट्रीब्यूटर सोच रहे हैं हम लोग तो पैसे दे रहे, देखो उन लोग यहां यूज कर रहे हैं, बट एक ही एनजीओ एक ही कम्युनिटी को कितना जगह से फंडिंग आ रहा है और वो वहां तक पहुंच भी नहीं रहा, मतलब ये है एनजीओ मार्केट। मतलब मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल आया था पूरा ऐसा, सर बोली तो बनाते हैं, एनजीओ का बिजनेस करेंगे, मतलब एनजीओ बिजनेस थोड़ी करता है, बिजनेस तो प्रॉफिट मोटिव से होता है, पर नहीं सर आपको पता नहीं अभी मार्केट में चल रहा है, ऐसे ऐसे पैसा कमाएंगे। तो क्या होने लगा, अभी बहुत बड़ा एक केस हुआ, एक कौन सा फाउंडेशन था, गवर्नमेंट सब ट्रैक कर रहा है, एनजीओ के पीछे बुरी तरीके से पड़ा हुआ है, एक कौन सा बहुत बड़ा फाउंडेशन था उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट, ग्रीन इंडिया या ग्रीन पीस करके कुछ नाम था, जिसका इस तरह का बहुत बड़ा डिस्प्यूट, मतलब समझ लीजिए इलीगल एक्टिविटी पकड़ा गया, वो फॉरेन से फंड मंगा रहा है और फंड को रफा दफा कर रहा है, कोई एक्टिविटी प्रॉपरली हुई नहीं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ एनजीओ वाले या एनजीओ के कंट्रोलर्स पीडब्ल्यूसी एनवाई वगैरह को हायर कर रहे हैं, उनका एक ड्यू डिलीजेंस करके एक फंक्शन होता है जिसमें उनके आदमी लोग या जैसे आप जैसे स्टूडेंट लोग पीछे पड़ जाते हैं एनजीओ के, और आप अपना बुद्धि लगा के जब उनको ट्रैक करोगे तो थोड़ा तो आप जब सवाल रेज करना शुरू करोगे ना तो कहीं ना कहीं तो हकलाएगा अगला, तो आप लोग जब करना शुरू करते हो ना एकदम ऑथेंटिकेटेड वे में तो हिम्मत नहीं होता उनका, बट वो लोग इतने मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, अब आपको लिस्ट ऑफ इतना आधार कार्ड दे दिया, अब नियम क्या होता है कि टेस्ट चेकिंग करेंगे हम लोग, सैम्पलिंग करेंगे, रूल बोलता है आपको वहां जाना चाहिए, पीडब्ल्यूसी एनवाई वालों का खासियत ये चलो चला भी जाता है, चलो हम लोग विलेज में जाएंगे और सरप्राइज टेस्ट लेंगे, मतलब आप ऐसा नहीं कि उस दिन एजेंट को बोलेंगे, मतलब ऐसा मैंने देखा कि एनजीओ का रिपोर्ट पीडब्ल्यूसी ने ऐसा बनाया कि वो एनजीओ खतरे में आ गया एक बार, कि एनजीओ को मिला था गरीबों के लिए घर बनाने का रुपया, तो उसने दिखाया कि हमने 100 घर बनाए, वो टेस्ट चेकिंग में गए तो 100 घर दिखाई नहीं, काउंटिंग करेंगे ना वो 100 है कि नहीं, उनको भी इंटरेस्ट आ गया, वो यंगस्टर्स को देखे तो 100 घर है कि नहीं, और 100 घर आया नहीं, वो रिपोर्ट लिख के चले गए, और जो रिपोर्ट लिख के गए पीडब्ल्यूसी का रिपोर्ट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर बाद में वो एनजीओ वैसे बचा लिया अपने आप को, क्योंकि वो सच था कि 100 घर बने थे, काम कहीं और लोकेलिटी में हो रहा था, वो लोग दूसरा जगह चले गए थे। बट एनीवेज ये सब आपको बता रहे एनजीओ रिलेटेड इश्यूज, सो दैट आपका माइंड थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करे और उसके सिचुएशन को हैंडल कर पाए। लास्टली परफॉर्मेंस रिपोर्ट था, वो मैंने बता ही दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से वो कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसका बजट चैप्टर में हमने समझ किया ही है।
तो विद दिस चैप्टर इज ओवर. लेट्स टेक अ ब्रेक.